पहले खबर राजधानी दिल्ली से है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में जहां G20 सम्मेलन से पहले बड़ा विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। दिल्ली में होने वाले G20 अंतरराष्ट्रीय समिट के लिए चल रहे सौंदर्यकरण के काम में अब बड़ा फसाद जो है वो खड़ा हो गया है। फसाद क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में कुछ फव्वारे लगाए गए हैं। उन फव्वारों के आकार शिवलिंग की तरह है। अब बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि शिवलिंग कोई सजावट के लिए नहीं है और धौलाकुआं ज्ञानवापी नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में शिवलिंग के शेप वाले फाउंटेन लगवा दिए हैं, जिसकी वजह से अब बीजेपी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। ये वो तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए सौंदर्यकरण के नाम पर किस तरीके से फव्वारे लगाए गए वो सही बात है, लेकिन ये शिवलिंग के शेप में फाउंटेन है और यही वजह है कि अब बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। बीजेपी की तरफ से ये बातें कही गई हैं कि शिवलिंग के शेप वाले फाउंटेन आम आदमी पार्टी की तरफ से लगवाए गए हैं दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में और ये कोई ज्ञानवापी नहीं है, जहां इस तरीके से शिवलिंग को सजावट के तौर पर, सौंदर्यकरण के तौर पर जो है शिवलिंग के शेप में फाउंटेन जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चारू प्रज्ञा ने ट्वीट किया है। दिल्ली सरकार पर बीजेपी लगातार हमलावर है। G20 के लिए भारत की राजधानी दिल्ली को दुल्हन की तरीके सजाया जा रहा है। दिल्ली में हर जगह जहां भी आप जाएंगे इस तरीके से सुंदरता का कार्य जो है वो आपको दिखाई देगा, चाहे वो मूर्तियां लगाना हो, प्लांटेशन हो, फाउंटेन हो, वो तमाम चीजें यहां पर की जा रही हैं ताकि बड़े बड़े डेलीगेट्स जब दिल्ली में आए तो दिल्ली की सुंदरता अपने आप में अनोखी हो, अलग हो। और आप देखिए G20 के जो बैनर पोस्टर हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, अलग अलग जगहों पर लाइटिंग चेंज की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी नेता शाहरुख प्रज्ञा ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के बाद जो है थोड़ी कंट्रोवर्सी होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी नेता शाहरुख प्रज्ञा ने जो ट्वीट किया है वो इसी जगह का है और अपने ट्वीट में जो वीडियो उन्होंने डाला है वो इसी स्थान का बताया जा रहा है। शाहरुख प्रज्ञा का दावा है कि दिल्ली सरकार ने इस एरिया में ब्यूटिफिकेशन का काम किया है और सुंदरता के लिए जो चीजें इस्तेमाल की गई हैं उस पर उनकी आपत्ति है। और आपत्ति किस बात को लेकर है वो देखिए, यहाँ पर ये जो फाउंटेन आप देख रहे हैं उसके ठीक ऊपर शिवलिंग की जो आकृति है वो यहाँ पर दर्शाई गई है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हम यहीं से रिपोर्ट कर रहे हैं। और चारू प्रज्ञा का आरोप है कि ये जगह कोई मंदिर नहीं है और ऐसे में शिवलिंग का इस्तेमाल जो है आप सुंदरता के लिए नहीं कर सकते हैं। क्या ये चीजें जानबूझकर की गई हैं या अगर जानबूझकर नहीं भी की गई हैं तो ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली हैं, क्योंकि इस तरीके से शिवलिंग के ऊपर से पानी नीचे आता है और ये पूरा फाउंटेन का एरिया है, ना ये कोई मंदिर है ना कोई स्थान है। और इस तरीके से इस एरिया में सुंदरता के लिए शिवलिंग की आकृति का इस्तेमाल किया गया है जिस पर आपत्ति जाहिर की गई है। दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो शिवलिंग की आकृति है ये सिर्फ इस साइड पर ना होकर दूसरी साइड भी है और इस तरीके से ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और ये पूछा जा रहा है कि जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनका जो PWD विभाग है, क्या उन्होंने ये जो सुंदरता के लिए शिवलिंग की आकृति का चयन किया ये सही है या नहीं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और लोगों का कहना है कि इससे बचा जा सकता था, लेकिन अब यहाँ पर G20 का कार्यक्रम 9 और 10 तारीख को सितंबर में दिल्ली में होना है और ये तमाम चीज़ें बनकर तैयार हो गई हैं और ऐसे में इसको लेकर अब सोशल मीडिया के साथ साथ आम आदमी पार्टी और BJP आपस में उलझती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव छेत्री के साथ रविकांत राय, टाइम्स नवभारत, दिल्ली। तो सुना आपने हमारे सहयोगी रविकांत जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। शिवलिंग के शेप वाला फाउंटेन, ये आखिरकार किसकी देन, ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। किसी की साजिश तो नहीं है? आम आदमी पार्टी की सरकार इस वक्त सवालों के घेरे में। पूरा विवाद एक बार आपको समझा दे, जरा समझिए विवाद क्या है। शिवलिंग आकार के फव्वारे जो है वो दरअसल लगाए गए हैं, बीजेपी ने हमला किया है, दिल्ली सरकार को घेरा है कि आखिरकार सौंदर्यकरण के नाम पर किस तरीके से ये शिवलिंग शेप के फव्वारे क्यों लगाए गए। दिल्ली में दरअसल फव्वारे लगाए गए, फाउंटेन लगाया गया क्योंकि G20 समिट होना है तो उसको देखते हुए दिल्ली का सौंदर्यकरण करने का काम चल रहा है और ऐसे में ये फाउंटेन लगाए गए।
लेकिन फाउंटेन आखिर किस शेप में है, इस शेप को लेकर जो है अब बवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि ये दरअसल शिवलिंग के आकार में, सड़क के किनारे किस तरीके से शिवलिंग के आकार के फाउंटेन जो है वो लगाए गए हैं। बीजेपी ने हमला किया है कि शिवलिंग सजावट के लिए नहीं होता, ये लोगों की आस्था से एक तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। धौला कुआं है, कोई ज्ञानवापी नहीं है कि शिवलिंग के आकार के फाउंटेन दिल्ली सरकार ने लगा दिए। दरअसल बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि सौंदर्यकरण के नाम पर दिल्ली सरकार जो है वो इस तरीके से राजनीति कर रही है और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। दिल्ली में शिवलिंग वाले फव्वारे पर सियासत जो है वो तेज हो गई है। बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने केजरीवाल पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल क्या इसका क्रेडिट भी लेंगे, अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा। बीजेपी नेता हरीश खुराना यहां अब इस पूरे मामले पर, देखिए किस तरीके से सियासत तेज होती जा रही है। हरीश खुराना ने अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा है, कहा है कि क्या इसका क्रेडिट भी अरविंद केजरीवाल जो है वो लेंगे। अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी मिनिस्ट्री और पूरा आम आदमी पार्टी क्रेडिट लेने की होड़ सी लग गई है कि देखिए पूरे देश के दिल्ली के अंदर जो ब्यूटिफिकेशन हो रहा है वो आम आदमी पार्टी करवा रही है। लेकिन आज जब वो जो फौरे लगे हैं उसमें एक शिवलिंग का जो वो आकार सा लग रहा है उस पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो ये आम आदमी पार्टी बताएगी ना, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने, जहाँ तक हमारी जानकारी है, पीडब्ल्यूडी ने वो फौरे लगवाए हैं। तो डिपार्टमेंट जो है वो तो अरविंद केजरीवाल के अंडर में, जब पूरे दिल्ली का क्रेडिट वो ले रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन का क्रेडिट ले रहे हैं, तो ये इसका भी क्रेडिट वो लेंगे या नहीं लेंगे। अब कड़वा कड़वा वाली कहानी है कि कड़वा कड़वा थूथू वाली कहानी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। देखिए किस तरीके से सियासत जो है वो गरमाती जा रही है फव्वारे वाले शिवलिंग को लेकर। अब आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला है। संजय सिंह ने क्या कहा है कि बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए। आपकी तरफ से रिएक्शन भी आने लगे। संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी एक तरफ आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रही है कि अरविंद केजरीवाल क्या इसका भी क्रेडिट लेंगे, अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। तो अब संजय सिंह जो है वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए। धौला कुआं में किस तरीके से फाउंटेन लगाए गए हैं जो जिसका शेप जो है वो शिवलिंग के आकार का है, और इसी को लेकर अब सियासत किस तरीके से बढ़ती जा रही है वो देखना होगा अभी। और बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन आएंगे और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन आएंगे, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल किस तरीके से इस फाउंटेन को लेकर पूरा विवाद जो है वो गरमाया हुआ है, क्योंकि दिल्ली के धौला कुआं में शिवलिंग के आकार के फाउंटेन जो है वो लगा दिए गए हैं। तमाम जगह से रिएक्शन भी आने शुरू हो जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत जो है वो जुड़ चुके हैं, ठीक उसी जगह से है। रिपोर्ट भी दिखाई थी हमने रविकांत की कि किस तरीके से इन फाउंटेन को लेकर सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। वहीं पटना के मंदिर से साकेत हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि अब ये आस्था का सवाल है और शिवलिंग के शेप का ये फाउंटेन है, तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश में प्रतिक्रियाएं जो है वो आनी शुरू हो जाएंगी आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो सवालों के घेरे में। सबसे पहले रुख करते हैं रविकांत का। रविकांत जरा बताइए, आपने फाउंटेन दिखाया था, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, अब विवाद बढ़ता जा रहा है, उस पर संजय सिंह ये कहते हैं कि बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए, तो आखिर ये माफी बीजेपी को क्यों मांगनी चाहिए और क्या सौंदर्यीकरण के नाम पर यह शिवलिंग के शेप का फाउंटेन सही है? श्वेता मुझे दो मिनट का समय दीजिए, थोड़ा विस्तार से इस मामले को समझना होगा, क्योंकि G20 एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसकी प्रेसिडेंसी जो है वो भारत के पास है। पीछे की तस्वीरें दिखाता हूं, क्योंकि मल्टीपल एजेंसियां जो है अपने अपनी जगहों पर काम कर रही हैं और दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में रिप्रेजेंट करना, इसकी सुंदरता को बढ़ाना, इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस एरिया में हम मौजूद हैं वो एरिया किसका है? तो चारू प्रज्ञा ने जो वीडियो ट्वीट किया है उनका साफ तौर पर ये एलिगेशन है कि ये एरिया जो है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है और शिवलिंग की आकृति को आप सुंदरता के लिए, किसी जगह की शोभा बढ़ाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर जो है सवाल खड़े किए गए हैं कि ये आस्था का सवाल है। वो फाउंटेन मैं अभी अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, मैं यहीं से रिपोर्ट कर रहा हूं, और इस तरीके के अलग अलग फाउंटेन जो है यहां पर लगाए गए, लेकिन फाउंटेन के ठीक ऊपर देखें आप तो ये शिवलिंग की आकृति है, जहां से आपको जल नीचे
आते हुए दिखाई दे रहा है। अब बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि क्या भगवान शिव की जो शिवलिंग की आकृति है आप उसको यहाँ पर सुंदरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, इस पर आपत्ति है क्योंकि हिंदू धर्म में जो आदि भोलेनाथ हैं उनकी बड़ी आस्था है और इस तरीके से आप आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये पूरा का पूरा जो एरिया है, सूत्र ये बताते हैं कि इसके डेवलप का जो वर्क है वो बीजेपी के मुताबिक पीडब्ल्यूडी विभाग दिल्ली सरकार ने कराया है। तो क्या उनसे गलती हुई या जानबूझकर इस तरीके की आकृति का चयन किया गया, ये स्पष्टीकरण होना चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी अब इस पर सियासत कर रही है कि इस स्थान पर जो एलजी हैं वो भी आए थे, लेकिन कार्य किसने कराया ये खुलकर पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। अगर किसी से गलती हुई है तो अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। बावजूद इसके अब जो है इस पूरे मामले पर जब से हमने खबर दिखाई है अब सियासत प्रारंभ हो गई है। संजय सिंह खुलकर सामने आ गए हैं, बीजेपी सामने आ गई है और उनका ये कहना है कि जी एक बार फिर जो है हम अपने दर्शकों को ये फाउंटेन दिखाते हैं, ये फव्वारा दिखाते हैं और इसके ऊपर जो शिवलिंग की आकृति है उसको भी हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि चारु प्रज्ञा ने जो ट्वीट किया है वो इसी जगह का है और यहीं का वीडियो जो है उन्होंने डाला है। आप देखिए ये फाउंटेन है, ये G20 की को ध्यान में रखते हुए तमाम जो सुंदरता का कार्य है जो है पूरे दिल्ली में कराया जा रहा है और उसी में एयरपोर्ट से हटकर कुछ ही दूरी पर ये एरिया है और ऊपर जो है ये शिवलिंग की आकृति जो है वो परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया गया है और ऊपर से नीचे जल आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट संजीव जी से अनुरोध करूंगा कि क्लोज करके आपको वो तस्वीरें दिखाएं और इसी को लेकर दिल्ली की सियासत में इस वक्त जो है विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि देश से बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ये फाउंटेन लगाकर ये शिवलिंग की आकृति का इस्तेमाल करके तमाम जो है वो हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनकी आस्था के साथ आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार ने खिलवाड़ किया है। ये गंभीर आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अगर मैं दूसरे तरफ की तस्वीरें अगर अपने दर्शकों को दिखाना चाहूं तो जो फाउंटेन आप यहां पर देख रहे हैं यही फाउंटेन दूसरी साइड पर भी लगा हुआ है और वहां पर भी इसी तरीके की आकृति जो है वो बनी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि इस आकृति का जो चयन है वो सोच समझकर किया गया या अनजाने में गलती हुई, इसके लिए जो तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सामने आना चाहिए क्योंकि अब सवाल जो है आस्था से जुड़ा हुआ है तो इसका स्पष्टीकरण भी आना चाहिए। लेकिन ये विवाद फिलहाल गहराता हुआ दिखाई दे रहा है इसकी आकृति को लेकर क्योंकि ये शिवलिंग की आकृति है और बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। जाहिर सी बात है रविकांत, सवाल अभी उठे हैं और धीरे धीरे रिएक्शंस भी आने लगे हैं। एक एक करके जैसे रिएक्शंस आएंगे दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे क्योंकि अब आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल पूछे जाएंगे और जवाब भी देना होगा। G20 जैसा बड़ा इवेंट होना है और ऐसे में ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है, लेकिन ब्यूटिफिकेशन के नाम पर इस तरीके से शिवलिंग का इस्तेमाल कहां तक जायज है, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है और जिम्मेदारी क्या दिल्ली सरकार लेती भी है या नहीं, तमाम सवाल है, सवाल भी हम पूछेंगे। फिलहाल इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, बड़ी कवरेज हमारी जा रही है। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द हाजिर।